नारायण। वर्तमान में भारत देश की जनता को बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से टूथपेस्ट, साबुन और कॉस्मेटिक्स का निर्माण करने वाली कंपनियां शामिल हैं। लेकिन जनता इन वस्तुओं का उपयोग किए बिना भी स्वस्थ रह सकती है, ये कहना है उज्जैन से आए अरुण ऋषि का, जो बीते 21 सालों से अपने व्यापार को छोड़ जन जन तक प्राकृतिक संसाधनों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दे रहे हैं। अरुण ऋषि का दावा है कि बीते 49 सालों में उन्होंने कभी भी टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम का उपयोग नहीं किया। इस दौरान वो कभी भी बीमार नहीं पड़े। दाढ़ी बनाने के लिए भी वो प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। उनका यह भी दावा है कि यदि हम सही तरह से नियमित 15 सेकंड भी ताली बजाते हैं तो हमें कई गंभीर रोगों से मुक्त रखने में मदद मिलती है। 65 वर्षीय अरुण ऋषि ने इसका प्रयोग कई मल्टीनेशनल कंपनीज फैक्ट्रियों में किया है। वर्तमान में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है। एक्चुअली ताली के साथ 10 चीज़ों का परहेज है। सारी बीमारी की जड़ जो है 10 चीज़ें हैं। तो पहला है टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफ़ी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्सअप, लिमका, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट और दवाएँ। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज्ड है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूँ जिसने पिछले 39 सालों में ये किसी भी चीज़ का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्सअप नहीं, लिमका नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो पिछले 39 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 65 साल की है और 100 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे कि आप ऊपर चले जाओगे, बत्ती से ही छोड़ जाओगे। बगैर चाय कॉफ़ी के कैसे तरोताज़ा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। तो ये 2-2.5 घंटे की जो कार्यशाला होती है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। चाय का हमारे कंसेप्ट है कि चीन को अफीम ने बर्बाद किया था, भारत को चाय ने बर्बाद कर दिया। पूरे भारत की कैलकुलेशन है कि प्रतिदिन हम लोग भारत में 1200 से 1500 करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाते हैं। कितने करोड़ की? 1200 से 1500 करोड़ की। फिगर बहुत छोटा है, इससे डबल फिगर है। सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं है, पावर प्लांट लगाने के लिए पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है। अभी आप लोगों से बात करो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो, सब देश के लिए हम जान दे दें। अरे भैया तेरे जान की जरूरत नहीं है, आपसे चाय पीना बंद कर दे। 20 रुपए की चाय पीता है, 10 रुपया देश को दे देना, 10 रुपया तेरे पास रख लेना। भारत के 60% लोग कर लें तो 800 से 1000 करोड़ रुपया रोज आ जाए, यूँ इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाए। फिर टूथब्रश, टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें, उस पर अलग अलग क्लासेस है। इस पे हम लोगों की एक वेबसाइट है arunrishi.com, तो इस वेबसाइट पे भी जाके अगर आप लोग जानकारी चाहें तो उससे आपको मिल जाएगी। नारायण नारायण।